जैसा कि हमें पता है कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कोलार, हुड्डी और ऊटी नामक खानों से। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड हीरबुद्दीनी और केंद्रुकोचा की खानों से के कुछ भागों में भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैलिबराइट, सिल्वनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट अयस्को के रूप में भी यह पाया जाता है। अब ज्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आते हैं या फिर अंडरग्राउंड खानों से। इस वीडियो में हम झारखंड की एक खदान के बारे में बता रहे हैं जहां से एक टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला जा रहा है और हर वर्ष औसतन 7 किलोग्राम सोना निकाला जा रहा है। सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें पहली 4 में मानव के हाथों से होती है जबकि 3 रासायनिक है। विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना, किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। दूसरी प्रक्रिया, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। तीसरी प्रक्रिया, बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल की ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि ये प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है जिसमें पत्थर छन जाता है। चौथी प्रक्रिया, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईट प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो रासायनिक प्रक्रियाओं को भी करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।